हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि थ्रेड कमांड का यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले थ्रेड कमांड को ओपन करते हैं, मोर पे क्लिक किया, थ्रेड को क्लिक किया। यहाँ पर है दोस्तों डिटेल और सिंबॉलिक। हम लोग डिटेल का इस्तेमाल करेंगे थ्रेड बनाने के लिए। ओके, अब डिटेल में को क्लिक करने के बाद सबसे पहले जो भी होल हमने सिलेक्ट किया है, पहले से मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, इस ऑब्जेक्ट में एक होल करना पड़ेगा उस पर थ्रेड देने के लिए। ओके, सबसे पहले इस फीचर को, फेस को मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक मेजर डायमीटर, लेंथ, पिच और एंगल यह बना देता है। अब चाहे तो हम पिच एंगल को चेंज, पिच जो डिस्टेंस है उसको चेंज कर सकते हैं। सपोज़ मैंने ले ली 5 mm, ओके, जो लेंथ है उसकी 50 है, जो मेजर डायमीटर है और उसका 45 है। दोस्तों ये जो लेंथ है ये 50 है, मतलब नीचे से लेकर ये फेस, नीचे ऊपर वाले फेस से लेकर नीचे वाले फेस तक की जो पूरी लेंथ है वो 50 mm है। तो जो मेजर डायमीटर जो थ्रेड का है वो 45 mm है। जो एंगल के पिच का जो बीच का डिस्टेंस है वो है 60 डिग्री। ओके, अब आपको राइट हैंड चाहिए या फिर लेफ्ट हैंड चाहिए, तो दोनों ही ऑप्शन है, तो मैं राइट हैंड सेलेक्ट करता हूँ। ओके, और अप्लाई करा और ओके, ये देखो दोस्तों थ्रेड तैयार हो गए। तो ये था सिंपल थ्रेड बनाना, बहुत ही आसान कमांड है, आप यूज़ करके किसी भी ऑब्जेक्ट में थ्रेड बना सकते हैं। ओके दोस्तों, अगले लेक्चर में मिलेंगे कुछ अलग कमांड के साथ। तब तक के लिए बाय।